रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में ढोड़ा जंगल से कंकाल बरामद हुआ है। शव का अधिकांश हिस्सा जानवरों ने नोच खाया है, सिर्फ चेहरा ही बचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक करीब 10 दिन पुराना ये शव है। शव के पहचान की कोशिश की जा रही है। मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। चान्हो थाना क्षेत्र की यह खबर, जहां एक कंकाल मिलने से लोगों में दहशत है और शव की जो स्थिति है उसे देखकर पुलिस अंदाजा लगा रही है कि ये शव 10 दिन पुराना हो सकता है। हालांकि जानवरों ने शव का काफी हिस्सा नोच खाया है, सिर्फ चेहरा बचा है। अब पुलिस की कोशिश है कि शिनाख्त हो पाए, जिससे ये पता चल पाएगा कि क्या किसी ने हत्या कर शव को यहाँ पर फेंका है या फिर कितने दिनों से लापता था मृतक। तमाम बिंदुओं पर पड़ताल शिनाख्त के बाद हो पाएगी। जंगल से ये शव बरामद किया गया है। सहयोगी इमरान इस मामले पर जुड़े हुए अपडेट के साथ। इमरान, एक शव बरामद हुआ है जंगल से, कंकाल ही कहें इसे, लेकिन चेहरा सलामत है, क्या शिनाख्त हो पाई, क्या और अपडेट है? देखिए बिल्कुल, अभी फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। चानो थाना क्षेत्र से अब ये जंगल से ये जो बॉडी बरामद किया गया, लगभग ये कंकाल की शक्ल में है। पुलिस का मानना है कि अगर अपराधियों द्वारा शव को छिपाने की नियत से इसे फेंक दिया गया था, जिसे वहां मौजूद जो जानवर है उन्होंने इस बॉडी को छत्रछत कर दिया, जिसके बाद शरीर का कई हिस्से जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खाली हो गया। कंकाल हड्डियां दिखाई दे रही है इसे, लेकिन चेहरा जो है वो लगभग अभी आकृति में है, वो दिखाई दे रहा है। उसकी पहचान कराने के लिए आसपास के ग्रामीणों को भी बुलाया गया था, लगभग उसे पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। शव जो है देखने से प्रथम दृष्टया मालूम होता है कि ये 7 से 10 दिन पुरानी ये पूरी जो बॉडी है वो है, लेकिन अभी फिलहाल तमाम जो पुलिस पदाधिकारी थे वहां पहुंचे, RFSL की और दूसरे संसाधनों की मदद से पूरी मामले की जांच की गई और अब जाकर के इस पूरे जो शव को कब्जे में लेकर के रांची के रिम्स पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से एक शव बरामद किया गया, जो कि शरीर बिल्कुल एक तरह से गायब है, मांस वो खत्म हो गया, उनकी हड्डियां सिर्फ बची हुई थी, लेकिन सर जो था वो दिखाई दे रहा है। उसे पहचान करने के लिए आसपास के लोगों से पहचान कराने की कोशिश की गई, फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मृतक की पहचान हो सके। फिलहाल हत्या का मामला प्रथम दृष्टया मानते हुए पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि शिनाख्त नहीं हो पाई है इस शव की, और किस थाने में क्या गुमशुदगी है, कोई मामला दर्ज है या फिर कहीं और से या कोई परिजन सामने आता है इस खबर के बाद, इस पर ही पुलिस आगे कोई छानबीन कर पाएगी। फिलहाल इस कंकाल में सिर्फ चेहरा बचा है, बाकी शरीर कंकाल में तब्दील हो चुका है। मामले की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है।